हेलो नमस्ते और एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा देश भी है जो आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है और उस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा उन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो देश भर में चल रहे हैं। आज के वीडियो में हम भारत में टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र डालने जा रहे हैं और कैसे वे देश को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है किसी देश के विकास के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं? मेगा प्रोजेक्ट्स में अर्थव्यवस्था को बदलने, रोजगार सृजित करने और लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की शक्ति है। तो आइए गोता लगाएं और भारत में कुछ सबसे रोमांचक मेगा प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें। आइए सोलर पार्क प्रोजेक्ट से प्रारंभ करें, जिनका उद्देश्य ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करना है। भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क है, जिसका अनुमानित बजट $3 मिलियन है। पार्क 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 2.25 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण सोलर पार्क पावगढ़ा सोलर पार्क है, जो $2.6 बिलियन के अनुमानित बजट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर पार्क है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो भारत में सबसे महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट में से एक है। चेनाब ब्रिज इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जिसका उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को हुआ था। ये पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। भारतमाला कार्यक्रम के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बहरेव ब्रिज है, जो भारत का सबसे लंबा 169 मीटर आर्क ब्रिज है। ये पुल पूर्वी खासी हिल्स जिले में भोलागंज और सोहबर को नोंगजरी से जोड़ता है और बहरेव नदी पर चलता है। अगला हमारे पास कोच्चि जल मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र में एक एकीकृत नौका परिवहन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ने अक्टूबर 2019 में अंतिम पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की और इसका पहला चरण 2021 में पूरा हुआ। ये प्रोजेक्ट नदियों के साथ साथ उपनगरों के लिए एक फीडर सेवा के रूप में कार्य करती है, जहां परिवहन पहुंच सीमित है। इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित बजट लगभग $240 मिलियन है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर चलते हुए नवी मुंबई मेट्रो और इंदौर मेट्रो भारत की परिवहन प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। नवी मुंबई मेट्रो नवी मुंबई महाराष्ट्र में एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और इसकी लागत लगभग $2.6 बिलियन है। इंदौर मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसके अगस्त 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। ये शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा और यातायात की भीड़ को कम करने की उम्मीद है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हवाई कनेक्टिविटी है, जिसमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सहित बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 7 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण शामिल है। ईटानगर एयरपोर्ट इस कार्यक्रम के तहत पूरा किया गया प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसका अनुमानित बजट लगभग $33 मिलियन है। ओ हब प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इकोसिस्टम निर्माण करना है। इसकी लागत लगभग $15 मिलियन होने का अनुमान है और विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। हम एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते, जिसे भारत के कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाने का पैशन है, उसी जोश और जुनून के साथ मैं ये कम्युनिटी बिल्ड करने में सक्षम रहा हूँ, जिसमें 150K+ सब्सक्राइबर्स मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। और अब मैं आपको ये अमेजिंग कंटेंट बनाने में मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने अपकमिंग कंप्लीट YouTube मास्टरी कोर्स को अनाउंस करते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस कोर्स में हम वीडियो प्रोडक्शन, रिसर्चिंग एंड स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन भी कवर करेंगे। ये कोर्स डिजाइन करा गया है जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप बिगनर हो या एक्सपर्ट, क्योंकि ये कोर्स आपके स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करेगा। मैं जो कई सालों से कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे पता है कि एंगेजिंग वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस कार्य में अपना दिल और आत्मा झोंक दी है, ताकि आप उन स्किल्स को सीख सकें जो आपकी वीडियोस को और अनोखी और आकर्षक होने का आकार देगी।
हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन चिंता ना करें, मैं डेफिनेटली अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल की अपडेट्स के साथ। एक अन्य महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ओलास फ्यूचर फैक्ट्री है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्लांट है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फॉसिल फ्यूल्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है और इसकी अनुमानित लागत लगभग $330 मिलियन है। अंत में हमारे पास डिफेंस प्रोजेक्ट INS मोर्मुगाव है, जो भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज है। जहाज को 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया था और इसका अनुमानित बजट लगभग $960 मिलियन है। अंत में देश सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और डिफेंस जैसे अनेकों क्षेत्रों में उपलब्धियां और विकास की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इन प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए बजट बहुत अधिक है और सरकार इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं न केवल भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी स्थापित करती हैं। इन मेगा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की भारत की क्षमता एक पावर हाउस इकोनॉमी के रूप में इसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भविष्य के लिए भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं की एक झलक दी है और हम इन परियोजनाओं को पूरा होते देखने के लिए उत्सुक हैं। और ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।